फिल्म्स में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। कोरोना वायरस को लेकर कई सारी चीजें मार्केट में फैली है। सबसे बड़ी चीज और इम्पोर्टेंट फैक्चुअल बात यह है कि ये चाइना के वुहान सिटी से फैला हुआ एक वायरस है, जिस वजह से वहां पर 3000 से ज्यादा लोग आई थिंक उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद चाइना को अगर छोड़ दे, उसके अलावा बाकी वर्ल्ड में भी 3000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में भी लगभग 50 के आसपास केसेस सामने आए हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आई थिंक रूमर्स इसको लेकर काफी ज्यादा फैल रहे हैं। और हाल ही में अक्षय कुमार से भी इस बारे में जो पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी राय सामने रखी है। और अक्षय कुमार जो खुद एक फिटनेस फ्रीक है, हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, हाइजीन पे बहुत ध्यान देते हैं, उनका कुछ बेसिक उनको कुछ कहना आई थिंक कहा उन्होंने, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अक्षय कुमार ने ये कहा, इंग्लिश में उसे हिंदी में बताऊंगा, देयर विल बी सम इफेक्ट बट हाउ मच दैट इज डिफिकल्ट टू से। मतलब कोरोना वायरस से लेकर इफेक्ट्स होंगे, कुछ असर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा वो अभी काफी मुश्किल है बता पाना। नरेंद्र मोदी जी हैज सेड पीपल शुडंट गो टू द क्राउडेड प्लेसेस एंड सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर लोग ज्यादा ना जाए, और जाए तो सेफ्टी प्रिकॉशन ले, यानी कि मास्क जो आता है 40-50 रुपए का वो एक लगा के रखे, ठीक है। इसके अलावा अक्षय ने कहा है कि सब चीजें घुमा फिरा कर यही बात बताते हैं कि हमें एक हाइजीन वाली लाइफ जीनी चाहिए, जिसमें साफ सफाई है ना, एकदम बेहतर तरह से जिए, नहाए धोए, साफ सफाई से रहे, उस तरह की बात अक्षय कुमार कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि वन हैज टू बी केयरफुल, सबको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। वी हैव टू कम डाउन ऑन द बेसिक ग्रीटिंग वे, दैट इज नमस्ते, यानी कि हाथ मत मिलाओ, अभी नमस्ते करो जिससे लोगों से मिलो। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, बट यही है कि सीरियस इतनी भी सीरियस चीज नहीं है कहा जा रहा है। और बहुत सारी चीजें अभी तक इस बीमारी को लेकर सामने नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा हवा बनाना भी सही नहीं है। बट यस, अक्षय कुमार का सीधा सीधा कहना है, भाई केयरफुल रहो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाओ, हैंडशेक की जगह नमस्ते करो और चिल करो, देखते जो भी होगा जैसे भी होगा पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है, इट इज स्टिल इन ए कंट्रोलेबल पोजिशन, और ज्यादा कोई टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि ये सब चीजें जो भी हो ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और जो इससे पीड़ित है वो ठीक हो जाए। आई थिंक यही हम सभी दुआ करेंगे, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी भी इसके सिम्टम्स मतलब पाए गए हैं। सो यस, वी वॉन्ट थिंग्स टू बी कम डाउन टू जीरो, और आई होप सब जल्दी होगा। आप सब दुआ करिए, क्योंकि कुछ लोग तकलीफ में हैं एंड वी नीड टू प्रे एटलीस्ट ताकि सब ठीक हो जाए। जहां के कहीं जिस किसी मुल्क के भी लोग होंगे, है तो इंसान ही ना, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनके बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वी नीड टू एटलीस्ट प्रे फ्रॉम अवर साइड। बाकी दुआओं में बहुत ताकत होती कहते हैं, तो लेट्स सी।